नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में 30 मई को केंद्र की मोदी सरकार के 10 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में नमामि गंगे ने अहिल्याबाई घाट पर गंगा की आरती उतारी। 10 सालों में 10 प्रमुख योजनाओं से भारत के विकास में बड़ा योगदान दे रही मोदी सरकार के लिए बाबा विश्वनाथ और माँ गंगे से आशीर्वाद मांगा। भगवान भास्कर और माँ गंगा का दुग्धाभिषेक कर आत्मनिर्भर और आरोग्य भारत के लिए गुहार लगाई। सुशासन और गरीब कल्याण के लिए सरकार की कटिबद्धता हेतु गंगा को भोग प्रसाद फल अर्पित किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि पीएम मोदी ने दूरदर्शी नेतृत्व ने आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और तकनीकी प्रगति पर जोर देने वाली अनेकों आर्थिक और सामाजिक योजनाओं की शुरुआत की है, जिनके विकास को गति मिल रही है, भारत समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। राजेश शुक्ला ने बताया कि पीएम मोदी की अगुवाई में 10 प्रमुख योजनाएं, जिसमें मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत की विकास यात्रा में बड़ा योगदान कर रहे हैं। इससे देश समृद्ध हो रहा है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, राजेंद्र सिंह, सोहन सिंह, नरेंद्र वाजपेयी, संजय कुमार, संतोष सिंह, रमेश चौहान सहित नागरिकगण उपस्थित रहे। संवाददाता तौफिक खान की खास रिपोर्ट। मैं राजेश शुक्ला गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज मोदी सरकार को 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 30 मई को ही अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने दोबारा शपथ ली थी। आज तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी भारत की जनता के सम्मुख हैं और हम प्रधानमंत्री जी जो हमारे काशी के सांसद हैं, इनके लिए माँ गंगा को प्रणाम करके उनकी आरती उतारकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज हमने अहिल्याबाई घाट के इस पौराणिक परिसर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए आशीर्वाद मांगा है, बाबा विश्वनाथ से मोदी सरकार के लिए गुहार लगाई है। और क्यों ना हो, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 10 सालों में भारत की जनता को जो सुशासन दिया है, आर्थिक विकास हुआ है, राष्ट्र का निर्माण किया है, राष्ट्र की सीमा को दुश्मनों से संरक्षित किया है, भारत निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है, भारत आरोग्य की ओर बढ़ता जा रहा है, हमारी मोदी सरकार ने जो 10 योजनाएं दी, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जी ने अनेकों ऐसी योजनाएं दी जो हमारे भारत के विकास में काम आ रही है। आज पुनः प्रधानमंत्री जी जनता के सामने है और आज हमने माँ गंगा से उनकी सहायता करने के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए माँ गंगा से प्रार्थना की है और बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद मांगा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी सरकार के नेतृत्व में हमारा भारत निरंतर काशी नहीं बल्कि भारत का सर्वांगीण विकास होता रहे और हम आशान्वित हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जाएगा। पार्वती पते। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।